गाइज हेलो, वेलकम बैक अगेन टू माई चैनल ग्लैम विद मी 2020। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा चैनल है मेरे ब्रेसिस जर्नी के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। और सबसे पहले आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा जो डिसीजन था ब्रेसिस निकालने का, मेन मेरा मोटिव जो था, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने ब्रेसिस क्यों निकाले, क्योंकि एग्जैक्टली मैंने ब्रेसिस इसलिए ही निकाले हैं क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ और ब्रदर की मैरिज और एंगेजमेंट थी, दैट्स वाई। तो सबसे पहले मैं जो बात करूँगी वो इसी बारे में बात करूँगी कि एक तो मेरे ब्रदर इन लॉ और ब्रदर की इंगेजमेंट हो चुकी है, अब है मैरिज। तो उसके लिए आजकल मैं बहुत प्रिपेयर कर रही हूँ। तो जैसे कि सब लड़कियों को रहता ही है कि मुझे सबसे अच्छा दिखना है, और मुझे उनकी शादी में इतना ज़्यादा क्रेज़ है दोनों शादियों का कि मुझे ऐसा हो रहा है कि बस मुझे सबसे अच्छा दिखना है और किसी भी तरीके से अच्छा लगना है। तो ये सबको ही होता है, हर गर्ल के अंदर ये चीज़ होती है। तो आजकल मैं कर रही हूँ थोड़ी बहुत शॉपिंग, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत बिजी थी। तो दो दिन से मैंने वीडियोस नहीं अपलोड की है, तो इसलिए सॉरी उसके लिए। तो आज मैं एक वीडियो बना के डाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूँ, जो जो गर्ल्स हैं उनको बहुत इंटरेस्ट आएगा इस चीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। तो जैसे कि सब लोगों को पता है कि मैं लुधियाना में हूँ, और बोला जाता है कि लुधियाना में बहुत अच्छी शॉपिंग हम कर सकते हैं और थोड़े लो कॉस्ट में पड़ता है। वैसे ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं, बट फिर भी थोड़ा जेन्युइन रेट है यहाँ पे। तो अगर किसी को शॉपिंग करनी हो तो आप लोग लुधियाना ज़रूर आए शॉपिंग करने। बहुत अच्छा शॉपिंग मीन्स यहाँ पे फैब्रिक की शॉपिंग बहुत अच्छी होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आपको फैब्रिक बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, आप उससे डिज़ाइनर ड्रेसेस बनवा सकते हैं। तो मैंने भी ऐसा ही कुछ किया है। तो मेरी एक बहुत पुरानी साड़ी थी जिसका मैंने यूज़ किया है, तो मैंने साड़ी का मैं लहंगा बनवा रही हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो कैसा दिख रहा है जब वो बन के आ जाएगा, उसके बाद दिखाऊंगी कि कैसा दिखा कैसा बना। तो मैंने उसके लिए एक चुन्नी खरीदी है, मीन्स दुपट्टा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने ख़रीदा है दुपट्टा। तो ये मैंने लिया था गोल्डन, प्लेन वाइट नेट में था ये, बट इसमें गोल्डन कलर का बॉर्डर लगा हुआ है, इसमें गोल्डन कलर का ये पैच लगे हुए हैं। तो मेरा लहंगा जो है वो बनेगा मेहरून कलर में है वो, तो उसके लिए मेरे को ये चुन्नी इसकी परफेक्ट लगी। तो मैंने ये चुन्नी उसका दुपट्टा खरीदा है क्योंकि उसमें फ्लावर प्रिंट में है, उसमें तो फ्लावर्स बने हुए हैं छोटे छोटे नग से, तो इसमें भी फ्लावर बने हुए हैं, इसलिए मेरे को ये बेस्ट लगा उसके लिए। तो मैंने ये ख़रीदा। और मुझे इस बार था कि मेरे को जेठानी बनना है, थोड़ा जेठानी वाला गेटअप रखना पड़ेगा, तो मैंने लिए है थोड़े बहुत ज्वेलरी। तो ये है ज्वेलरी बॉक्स, मैं दिखा देती हूँ आपको। तो मैंने ली है गोल्डन ज्वेलरी, तो ये ली है मैंने नथ, आपको दिखाती हूँ। हम लोगों में नथ बहुत अच्छा मानते हैं, तो मैंने नथ खरीदी है। ये देखो आपको कैसी लग रही है बताना कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके। ये ली है, और ये ली है मैंने ज्वेलरी, आप देख सकते हैं गोल्डन ज्वेलरी है विद मेहरून नग। और ये है रानी हार, जिसे बोल सकते हैं रानी हार ये, और बहुत अच्छे जेन्युइन रेट में मुझे मिल गया। तो ये मुझे पड़ा 800 का पूरा सेट, इसमें मांग टीका एयर रिंग सब कुछ है, ये पूरा सेट पड़ा मुझे 800 में। और ये दुपट्टा मुझे पड़ा 500 में, क्योंकि मैंने इसमें कलर करवाया है अपनी ये साड़ी के मैचिंग का, तो ये पड़ा मुझे 500 में। और उसके अलावा जैसे कि मैं शॉपाहॉलिक हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है। एक तो मैंने ये कैप ली जो कि मैंने पहन रखी है, बहुत गर्म बहुत वॉर्म है, जिससे आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। इसके अंदर भी एक लेयर लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप, वो लगी हुई है, बहुत ही वॉर्म फील देता है ये मुझे, और बहुत अच्छी लगी मुझे। तो ये उन्होंने बोली थी 200 की, बट मैंने 50 रुपीज़ में इसको परचेज़ कर लिया, क्योंकि मैं बहुत अच्छी बार्गनर हूँ। मे बी गर्ल्स होती ही हैं जो बार्गेनिंग में बहुत अच्छा कुछ कर सकती हैं, तो मैंने कर लिया। तो मैंने बार्गेनिंग करके मैंने 50 में लिया ये, और मैंने अपने बेटे के लिए भी 2 कैप ली, वो भी 50-50 की। तो 3 कैप्स मैंने ली 50-50 में, बहुत अच्छी पड़ गई मुझे। और एक मैंने ड्रेस लिया ब्लेज़र, आप देख सकते हैं ब्लेज़र, ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। ये भी रेड में है, ये फ्लावर प्रिंट है, इसमें फ्लावर्स बने हुए हैं, बहुत प्यारा लगा मुझे ये। तो मैंने ये लिया, और
एक मैंने लिया डेनिम, और डेनिम भी मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने डेनिम की एक जैकेट ली है, ये आप देख सकते हैं, इसको आप वन पीस की तरह भी पहन सकते हैं, इसको मैं डेनिम जैकेट बना के भी पहन सकती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था, तो एक मैंने ये ख़रीदा। तो ये थी मेरी लुधियाना की थोड़ी बहुत परचेजिंग, तो बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ड्रेसेस को लेके तो नहीं है फिलहाल, बट मेरा टॉपिक मेन जो था वो इस चीज़ के ऊपर है, जैसे कई लोग बोलते हैं हमारे टीथ येलोइश हो रहे हैं, तो उसके ऊपर है। तो जैसे कई लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं, या कई लोग बहुत टमैको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या गुटखा, ये सब खाते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली। तो कुछ टिप्स मैं आप लोगों को दे देती हूँ बहुत जल्दी जल्दी में, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी इसलिए। तो सबसे पहले तो ल्यूक वार्म वाटर से गरारे ज़रूर करिए, जो भी आप लोग अगर एक्स्ट्रा कुछ खा लेते हैं खाते हैं उसके बाद, तभी आपके टीथ वाइट रहेंगे, क्लीन रहेंगे। ल्यूक वार्म वाटर में नमक डाल के गरारे ज़रूर करिए। दूसरा एक आप हल्दी ना, मतलब थोड़ा सा टर्मरिक, थोड़ा सा सरसों का तेल मिक्स करके ब्रश में डिप करके, और ऐसे ऐसे करके अपने टीथ में खूब रगड़िए, उससे भी आपके टीथ बिल्कुल वाइट हो जाते हैं। और अगर आप टर्मरिक और सरसों का तेल नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो सॉल्ट और लेमन और सरसों का तेल लगाई डालिए, उसको ऐसे ऐसे करके ब्रश में डिप करके उससे ब्रश करिए, उससे भी बहुत अच्छी शाइन आएगी। या आप क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा ले, उसमें नींबू डाल के उसमें ब्रश डिप करके बेकिंग सोडा से साफ करिए, तो आपके टीथ बहुत वाइट हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा टिप था आज आप लोगों के लिए, और आज का मेरा वीडियो बस इसी चीज़ के ऊपर था, और मैं जल्दी से कल दूसरा वीडियो लेके आऊँगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि मैं क्या वीडियो फिर दोबारा बनाऊँ किस टॉपिक के ऊपर। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।